कराची में पानी की बंदिश के खिलाफ वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज से मुतालिक केस की समाअत हुई है और मेयर कराची वसीम अख्तर, एम क्यू एम के अरकीन सिंध असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन, महफूज यार खान पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज अमीन अनवर से। अमीन, इस केस की समाअत से मुतालिक बताइएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में आज वजीर आला हाउस के बाहर पानी की बंदिश के लिए एहतजाज करने से मुतालिक केस में एनक्यूएम के तीन रहनुमा और एनक्यूएम लंदन के एक रहनुमा पर फर्द जुर्म आयद हुई है। एनक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं में मेयर कराची, अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार और महफूज यार खान शामिल हैं, जबकि एनक्यूएम लंदन के साथ ही एम एसाद शामिल थे, जिन पर अदालत की जानिब से आज फर्द जुर्म आयद की गई है। मुलजमान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार के बाद अदालत ने इस तगासा के गवाहों को 2 दिसंबर को तलब कर लिया है, जबकि एनक्यूएम पाकिस्तान के जो रहनुमा है फारूक सत्तार समेत 12 मुलजमान को इस केस में इश्तेहारी करा दिया गया है। पुलिस की जानिब से जाब्ता फौजदारी दफा 512 के तहत कार्रवाई मुकम्मल की गई है कि मकरूर मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जिस पर अदालत ने फारूक सत्तार समेत 12 मुलजमान को इश्तेहारी करार देते हुए मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद की है और 2 दिसंबर को केस के गवाहों को तलब कर लिया है। शुक्रिया अमीन हमें अपडेट करने के लिए।